सदियों से गंगा नदी की मान्यता भारत की अन्य नदियों की अपेक्षा कहीं ज्यादा रही है। गंगा देवी भी है और गंगा नदी भी। आइए चलते हैं माँ गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री धाम की यात्रा पर। गंगोत्री धाम पहुंचने के लिए आपकी यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है। हरिद्वार से गंगोत्री की दूरी लगभग 290 किलोमीटर है, पर यहाँ से गंगोत्री के लिए डायरेक्ट बस मिल पाना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए आप हरिद्वार से उत्तरकाशी तक जा सकते हैं, जो कि यहाँ से 190 किलोमीटर की दूरी पर है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सी प्राइवेट बसेस आपको उत्तरकाशी के लिए मिल जाएगी। हरिद्वार से उत्तरकाशी तक का किराया 450 रुपये है। आप चाहें तो इन बसेस की बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर प्राइवेट व्हीकल से आप गंगोत्री धाम जा रहे हैं तो उत्तरकाशी में फ्यूल टैंक फुल करवा लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं है और रात को 9 बजे के बाद सभी पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं। गंगोत्री यात्रा में उत्तरकाशी स्टे करने का एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि गंगोत्री की अपेक्षा आपको ज़्यादा होटल्स के ऑप्शन 1000 से 1500 रुपए के अंदर मिल जाएंगे, जबकि गंगोत्री में क्राउड ज़्यादा होने पर होटल मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और रेट भी 3000 से 4000 रुपए तक चले जाते हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने के लिए बस शेयर टैक्सी आपको उत्तरकाशी के बस स्टैंड से मिल जाएगी, जो कि 200 रुपये में आपको 5 से 6 घंटे में गंगोत्री पहुंचा देगी। इस तरह आप हरिद्वार से उत्तरकाशी और उत्तरकाशी से गंगोत्री 600 से 700 रुपये प्रति व्यक्ति में पहुंच जाएंगे। गंगोत्री मंदिर पार्किंग से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि आपको पैदल तय करना होता है। फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए यहाँ पर व्हीलचेयर की व्यवस्था भी मिल जाती है, जो कि 300 रुपये में पार्किंग से मंदिर और मंदिर से पार्किंग तक ले जाते हैं। आधा किलोमीटर की यह दूरी तय करके फाइनली आपको दर्शन होते हैं माँ गंगा की अत्यंत सुंदर प्रतिमा के। माँ गंगा धरती पर कैसे आई, इसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप जब भी किसी धार्मिक जगह पर जाते हैं और उसके बारे में आपको जानकारी होती है तो आपकी यात्रा का हर एक पल आप महसूस कर पाते हैं। गंगोत्री मंदिर के पास ही भागीरथ की तपोस्थली है, जहाँ बैठकर राजा भागीरथ ने तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से धरती पर बुलाया था। इस स्थली के पास एक स्नान घाट भी है, जहां पर भक्तगण नहाकर माता के दर्शन करते हैं। गंगोत्री मंदिर से 500 मीटर पहले एक रास्ता पांडव गुफा और गोरी कुंड के लिए भी जाता है। अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण वो यहाँ के अद्भुत नज़ारों से वंचित रह जाते हैं, पर आप अगर गंगोत्री आए तो यहाँ पर आना ना भूलें। ट्रैकिंग पसंद करने वाले लोग गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर गौमुख तपोवन का ट्रैक भी कर सकते हैं। बहुत जल्द ट्रैकिंग के वीडियोस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।